सिस्टम को उसकी भाषा में जवाब देने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस बात की तस्दीक कर रही हैं ये तस्वीरें। जब सड़क पर बड़े बड़े गड्ढों पर जिम्मेदारों की नजर नहीं पड़ी तो लोगों ने एक अनोखा फॉर्मूला अपनाया और उन गड्ढों में पौधे रोपने शुरू कर दिए। दरअसल ये नजारा मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले का है। इसी क्षेत्र से प्रदेश के पीएचसी मंत्री निर्वाचित होकर आते हैं, लेकिन इस शहर की सड़कें मंत्री जी के नहीं बल्कि राम के भरोसे हैं। व्यस्ततम सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे आए दिन हादसों को न्योता देते हैं, लेकिन जिम्मेदार हैं कि इस तरफ ध्यान देने को तैयार नहीं थे। नतीजतन प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए शहर के लोगों ने अनोखा तरीका इजाद किया और अब उन गड्ढों में पौधे रोपकर जिम्मेदार अधिकारियों को उनकी नाकामी गिराने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस विषय में एक और बात गौर करने वाली थी कि लोग अफसरों से नेताओं से नाराज हैं और उनको दिखाने के लिए ही ये पेड़ लगाए गए हैं। बीच सड़क पर पेड़ क्यों लगाया है? पेड़ इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर बीच रोड पर गड्ढे हो रहा है, सबकी माँ बहन बेटी बच्चे सब निकलना है और सभी परेशान हो रहा है। तो ये तो कई जगह रोडों पर गड्ढे है, मगर हमारे मुकाबले शहर में क्यों है? हम तो जिंदा हैं, तो जिंदा बात कर रहे हैं कि गड्ढे क्यों हैं। आप जिन नेताओं के साथ सेल्फी डालते हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनसे हम सबसे पहले अपनी मुगावली के नेताओं से कहना चाहते हैं कि तुम लोग जन्मदिन कब तक मनाओगे? तुम्हें दिख नहीं रहा अदालत के सामने डाकखाने चौराहे पर गड्ढे हो रहा? तुम सबकी माँ बहन तो निकले गए, सबकी माँ बहन तो निकल गई, तुम्हें होश तो नहीं है तुम लोग। तो पेड़ लगाने के बाद क्या संदेश देना चाहते हैं? पेड़ लगाने से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि भैया बीच रोड पर गड्ढे हैं, अगर आके हैं तो आके खोल कर चलो, फिर तुम्हारे बच्चे भी यहीं से निकलना गड्ढों में से और तुम भी निकलना हो और तुम्हारे वोटर भी निकलना है, आगे चल के तुम्हें चुनाव भी तो लड़ने, फिर कैसे वोट मिलेगा? अब क्या कहना चाहते हैं प्रशासन के लिए? प्रशासन के लिए दिल से जय हिंद, और प्रशासन अच्छा काम कर रहा है, और पुलिस प्रशासन अगर नहीं होता ना तो आदमी कच्चा खाए। तो ये प्रशासन, ये नेताओं की कमियां तो हैं, ये रोड पर गड्ढे हो रहे हैं, इसमें क्या रोल प्रशासन थोड़ी, ये तो नेताओं के काम है, समाज सेवकों के काम है। और ये जिम्मेदारों का ध्यान खींचने के लिए लोगों की ये पहल यूं तो बहुत खास है, लेकिन क्या वाकई सड़क के गड्ढों के ये पेड़ सिस्टम को उसकी गलती महसूस करा सकेंगे, ये अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल है। पंजाब केसरी टीवी के लिए भारतेंदु बैंस की खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।